हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू ब्रह्मा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के सेकंड वीक की, जो कि 8 to 15 के लिए है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। टू ऑफ कप्स, द डेविल, द मैजिशियन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस। यहां टू ऑफ कप्स के साथ आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हैं उसके साथ काफी अच्छा वक्त एंजॉय करना चाहते हैं, या एक दूसरे के लिए आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स जगेंगी। सेकेंड वीक में आप एक दूसरे को देखने के लिए तरस रहे हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए परेशान हैं। यहां पे स्पेशली मैं उस केस की बात कर रही हूँ जब आप एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये नो कम्युनिकेशन है। यहां पे कुछ बाधाएं हो सकती हैं आपके रास्ते में, लेकिन आप यहां पे एक दूसरे के बहुत क्लोज फील कर रहे हैं। बट यहां पे द डेविल है और द मैजिशियन भी है, तो हो सकता है आपका दिमाग कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, और इसके कारण आपके और आपके लवर के बीच में झगड़े भी हो सकते हैं। कोई आपको बातों को ऐसे घुमा फिरा के बोलेगा कि आपका डाउट डायरेक्ट अपने पार्टनर पे जाए, एंड हो सकता है कि इसके चलते आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। फिर यहां पे है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए मगर कर नहीं पा रहे हैं। मोरली आपको पता है कि क्या करेक्ट है, अगर आपको पता है कि इस सिचुएशन में करेक्ट क्या होगा अगर मोरली देखा जाए तो, लेकिन फिर भी द मैजिशियन के साथ आपको चीजें कर नहीं पा रहे, आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। क्या आपको इस रिलेशनशिप में निकल जाना चाहिए या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहां पे डेविल का कार्ड है। कोई पर्सन हो सकता है जो आपके और आपके लवर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये जनरल रीडिंग है एक्वेरियंस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, और रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक की रीडिंग अगर आप इंटरेस्टेड हो, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज यूजुअल ये क्लियर नहीं हो रहा उतना, देखते हैं और क्या कार्ड्स है आपके लिए एक्वेरियंस। एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वांड्स,
यस, आपके जो पार्टनर हैं आपको उन पे भरोसा नहीं है एक्वेरियस, और या आपके पार्टनर को आप पे भरोसा नहीं है पूरी तरह से, वो डाउट में है। आप अगर इस कार्ड को देखें तो ये जो लेडी है ये हाथ में टेलीस्कोप लेके बैठी हुई है और दूर तक देख रही है, क्योंकि इसके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, इसके सामने कुछ भी क्लियर नहीं है। तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ छुपा रहे हो किसी से, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये जनरल रीडिंग है आपके केस में जो भी हो, बट यहां पे आपके पार्टनर को आप पे भरोसा नहीं है। और द एम्परर के साथ आप जिससे भी डील कर रहे हैं, जो भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है या जो भी आपके रिलेशनशिप में असर डाल रहा है, वो पर्सन शायद आपके लाइफ को कंट्रोल भी करता है। ये आपके लाइफ को कंट्रोल करता है एक तरीके से, क्योंकि आप इस पे किसी तरीके से डिपेंडेंट हैं। ये फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो सकती है, इमोशनल डिपेंडेंस हो सकती है, किसी भी तरीके से आप इन पे निर्भर करते हैं, और इसीलिए ये आपके रिलेशनशिप को चलाना अपना हक समझते हैं, और इनके सामने आपको सरेंडर करना पड़ता है बार बार। आपके केस में कोई भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पे है नाइट ऑफ कप्स। कोई पुराना फ्रेंड आपको अप्रोच कर सकता है, कोई एक्स आपको अप्रोच कर सकता है। वैसे ये ज्यादा फ्रेंड ही यहां पे शो हो रहा है, और कोई रिलेटिव भी हो सकता है। इनकेस अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई ऑफर्स मिल सकते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ शादी के, और ये ऑफर्स जो है इसको आप क्लियर करना चाहते हैं कि जैसे दिख रहे हैं वैसे है या नहीं, या दूसरी पार्टी क्लियर करना चाहती है जैसे आप दिख रहे हैं वैसे है या नहीं। ये सारी चीजें यहां पे होती हुई दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो नाइट ऑफ कप्स के साथ यहां पे कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है, कोई पास का फ्रेंड हो सकता है, जो आपके लाइफ में कुछ इशू क्रिएट करने की कोशिश करे, और इसलिए शायद आप इसको डाउट से देख रहे हैं। ये जो भी कह रहा है इसकी बातों को आप गौर से सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये पर्सन वाकई आपका अच्छा चाहता है या नहीं, या इसके साथ वाकई आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, अपने लाइफ में इनको पार्ट बनाना है कि नहीं, ये चीज आप लगातार सोच रहे हैं एक्वेरियन इस वीक में। सो ओवरऑल रीडिंग आपकी इस वीक की अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो कोई एक्वेरियन के भी साथ ऐसा कर रहा हो सकता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई कंट्रोलिंग हो। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है इस वीक में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियंस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ ऑगस्ट। Your life purpose involves your skills of oration. So, इस कार्ड के कहने का मतलब ये है, इस समय आपकी जिंदगी इस पे निर्भर करती है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, अगर आपकी सोच को कोई बदलने की कोशिश कर रहा है, या अगर आपको कोई डाउट है द एम्प्रेस के कार्ड के साथ, तो ये जाके आपको क्लियरली अपने पार्टनर से पूछना चाहिए, और शब्दों का इस्तेमाल जरूर सोच समझ के करें, क्योंकि यहां पे द डेविल चाहता है आपको अलग करना, और कहीं आप एग्जैक्टली वही ना कर बैठें अपने कड़े शब्दों को लेके। तो यहां पे आपको अपने शब्द थोड़े सॉफ्ट रखने होंगे और अपनी बात को रखना होगा सामने, तभी आपके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्वेरियस। तो ये थी रीडिंग आपके सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।